देखो चांद आया, चांद नजर आया। यूसुफ भाई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता चंद्रपुर की ओर से आप समस्त मित्र परिवार, क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को रमजान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। रमजान माह के 30 रोजे रखने वाले रोजदारों को लॉकडाउन में दुआ फाउंडेशन की ओर से इफ्तारी के लिए घर पहुंच किट पहुंचाने का निस्वार्थ और निशुल्क कार्य किया जा रहा है। दुआ फाउंडेशन बल्लारपुर की सेवा भाव संस्था पिछले 2 सालों से मानव कल्याण का कार्य कर रही है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण मार्च 2020 से लगे लॉकडाउन में पिछले वर्ष रमजान के महीने में रोजदारों को घरों से निकलने और मस्जिदों में जाने की सख्त मनाही थी। रोजादारों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए संस्था के उपाध्यक्ष मुकद्दर खान, सचिव शाहिद शेख, रहमत शेख, सलमान खान, अजीम शेख आदि ने दुआ फाउंडेशन के जरिए हर रोज मगरिब के पहले तकरीबन 300 घरों के रोजादारों को 2 केले, आधा तरबूज, खजूर, अंगूर, आम, सेब, मिठाई, पुलाव और शीत पेय की किट दी थी। इस साल भी 13 अप्रैल 2021 से आज तक और 30 रोजे खत्म होने तक दिया जाएगा। इस सवाब के काम को अंजाम देते हुए हर एक सदस्य को खुशी और सुकून का एहसास होता है। इस नेक काम में निखिल बाबले, निक्स केक वाला ने हर एक ऑर्डर में से 50 रुपए इफ्तार किट के लिए हर दिन राशि देकर अपना सहयोग दिया है। राह चलते मुसाफिरों को भी दुआ फाउंडेशन के सभी सदस्य मिलकर उन्हें खाना, तरबूज, केले और बच्चों को बिस्किट के पैकेट भी बांटे। दुआ फाउंडेशन संस्था ने कोविड ग्रस्त मरीजों को भी अतावश्यक ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था की है। संस्था के सदस्य जुनैद खान, वसीम सैयद, फारूक शेख, समीर शेख, छोटू शेख, रेहान शेख, फैजान हुजैफा, सैयद नकीम शोएब, आरिफ अमान शेख, सलमान शेख, नाजिम शेख, सैयद नदीम, अदनान उमेर, सैयद कयूम, अल्तमश, अशफाक मामू, नदीम भाई आदि सहयोग दे रहे हैं।